So now we are going to talk about the amines, second part of the chapter, that is compound containing nitrogen. तो ये amines क्या होते हैं? Amines जो है वो proteins, vitamins, alkaloids, hormones और इस तरह के कई सारे naturally occurring amino compounds हमें देखने मिलते हैं. Amines में सबसे दो example आपको textbook के याद रखने, that is nicotine जो कि tobacco में पाया जाता है and trimethyl amine जो कि एक insect attractant है. Alright. एंड अमाइन के बारे में एक चीज़ याद रखनी कि दे आर फेयरली बेसिक इन नेचर. अमाइन का यूज़ कई तरह के डाइज, सिंथेटिक फाइबर और एग्रोकेमिकल्स और मेडिसिन बनाने में यूज होता है. इसके अलावा डायोजोनियम के बारे में ऑलरेडी देख चुके हो, इट इज़ यूज इन मेकिंग मेनी एरोमेटिक कंपाउंड्स. सो लेट अस टॉक अबाउट अमाइन्स. तो अमाइन्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+3n. इसका नाइट्रोजन एटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑफकोर्स क्योंकि amines are ammonia derivative. Ammonia sp3 hybridized है, तो so is amine का nitrogen भी sp3 hybridized है. It is pyramidal in shape and having bond angle of less than 109 degree. And of course reason is the lone pair of electron. Alkyl or aryl derivative of ammonia is called as amine. Aliphatic amine के अंदर जो nitrogen है वो sp3 carbon को जुड़ा रहेगा, और जबकि aromatic amine जैसे कि aniline उसमें आपका नाइट्रोजन एटम sp2 कार्बन को जुड़ा रहेगा. एज आई सेड अमाइन्स आर फेयरली बेसिक इन नेचर, सो रिमेंबर दे आर लुईस बेस और दे आर न्यूक्लियोफाइल. दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन. नाउ कमिंग ऑन टू क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन, जैसे बाकी कंपाउंड जैसे अल्काइल हैलाइड अल्कोहल का क्लासिफिकेशन है, उससे ये क्लासिफिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है. हियर द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस्ड ऑफ अमोनिया. सो अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करा सो दैट इज अ प्राइमरी अमाइन. अगर दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए सो दैट इज अ सेकेंडरी अमाइन, और अगर तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए देन इट इज अ टर्शियरी अमाइन. ऑल्सो रिमेंबर नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर है, अगर ये लोन पेयर उसने दे दिया सो इट कैन फॉर्म अ कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज अ क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट. नाउ कमिंग ऑन टू इट्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. सो अमाइन्स के इन ऑल देर आर 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड 8 रिएक्शंस. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, हॉफमैन का अमोनोलाइसिस, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, रिडक्शन में ऑक्साइम, ऑक्साइम फिर साइनाइड, साइनाइड फिर नाइट्रो, नाइट्रो फिर अमाइड एंड हॉफमैन का डिग्रेडेशन. सो इन ऑल 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. लेट्स हैव अ लुक एट द डिटेल्ड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन वन बाय वन. सो अमाइन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट इज हॉफमैन का अमोनोलाइसिस. हॉफमैन के अमोनोलाइसिस में क्या होगा, अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक अमोनिया दैट विल फॉर्म RnH2+HX. इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एंड यहाँ पर दो बातों का ध्यान रखना है, यू हैव टू टेक अमोनिया इन एक्सेस. अगर अमोनिया एक्सेस में नहीं लिया तो प्राइमरी अमाइन विल फर्दर रिएक्ट विद द अमोनिया टू फॉर्म सेकेंडरी अमाइन, फर्दर रिएक्ट टू फॉर्म टर्शियरी अमाइन एंड फर्दर इट विल रिएक्ट टू फॉर्म क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट. दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, क्योंकि जब तक पूरा लोन पेयर भी रिप्लेस नहीं होता तब तक वो रिप्लेस अल्काइल ग्रुप उसे जुड़ते ही जाएगा और क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाते हैं. तो हॉफमैन अमोनोलाइसिस का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यहाँ पर आपको मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मिलेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी सब कुछ मिलेगा. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज टर्शरी RX रहेगा. सो यू नो वेरी वेल टर्शरी RX स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर हाई टेम्परेचर के अंदर अंडरगोज वॉट, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड इट विल फॉर्म अल्कीन. एंड अराइल हैलाइड से अल्काइल हैलाइड नहीं बन सकते क्योंकि अराइल हैलाइड में इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं होता. ऑलराइट, सो ये हो गया फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज हॉफमैन का अमोनोलाइसिस. नाउ कमिंग टू द सेकंड वन, दैट इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस. दिस इज थैलामाइड, ये हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है. KOH से रिएक्ट करने पर दिस विल गेट रिप्लेस एंड फॉर्म अ सॉल्ट. एंड इसे RX से ट्रीट करना है अल्काइल हैलाइड से. सो आपको यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा जिसको आप हाइड्रोलाइज करोगे अल्कलाइन कंडीशन में, सो यू विल गेट प्राइमरी अमाइन. पॉइंट टू बी नोटेड, हॉफमैन अमोनोलाइसिस और गैब्रियल थैलामाइड दोनों ही के अंदर हम अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड से अमाइन बना है. सो ये प्राइमरी अमाइन का मेथड है. और यहाँ पर मेन एडवांटेज है कि यू डू नॉट गेट अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अनलाइक हॉफमैन अमोनोलाइसिस. तो यहाँ पर आपको सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही मेजर प्रोडक्ट मिलता है, ये हॉफमैन अमोनोलाइसिस गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस का मेन एडवांटेज है. यहाँ पर भी जैसे RX
यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, इसकी जगह पे एआरएक्स यूज नहीं कर सकते, और इसके लिए एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। एरोमेटिक अमाइंस इससे भी नहीं बनेंगे। नाउ कमिंग इनटू द थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन में जैसे मैंने अभी आपको याद कराया, रिडक्शन में चार है। रिडक्शन में ऑक्साइन, ऑक्साइन फिर साइनाइड, साइनाइड फिर नाइट्रो, नाइट्रो फिर अमाइड। तो लेट्स फर्स्ट हैव अ लुक एट द ऑक्साइन। तो ऑक्साइन ये है आपका एल्डोक्साइन और ये है कीटोक्साइन। अब ये एल्डोक्साइन कहां से आते हैं, तो आपको याद रखना है एल्डिहाइड और कीटोन का हमने रिएक्शन कराया था हाइड्रोक्सिल अमाइन से, एक कंडेंसेशन रिएक्शन कराया था जिससे ऑक्साइन बने थे। अगर एल्डिहाइड लोगे तो एल्डोक्साइन मिलेगा और कीटोन लोगे तो कीटोक्साइन मिलेगा। तो अगर आप एल्डोक्साइन लेते हैं और उसका रिडक्शन कराएंगे यूजिंग एन ए इथेनॉल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सो इट विल गेट रिड्यूस टू गिव यू प्राइमरी अमाइन। कीटोक्साइन रहेगा तो भी प्राइमरी अमाइन ही मिलेगा बिकॉज यू गेट द फंक्शनल ग्रुप दैट इज NH2 ओनली। सो एल्डोक्साइन एंड कीटोक्साइन दोनों से आपको क्या मिलना है, प्राइमरी अमाइन। रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट में हमने एन ए इथेनॉल यूज किया है। यू कैन ऑल्सो यूज LiLH4 और रेनिन निकल। कमिंग ऑन टू साइनाइड्स, साइनाइड का रिडक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए मेंडियस रिडक्शन। तो ये सीट में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज रिफर्ड एज ए मेंडियस रिडक्शन। सो जहां साइनाइड का रिडक्शन होगा दैट इज मेंडियस रिडक्शन। साइनाइड रिड्यूस विद एन ए इथेनॉल इज ए मेंडियस रिडक्शन। यू कैन ऑल्सो यूज रिड्यूसिंग एजेंट सच एज LiLH4 एंड रेनिन निकल हाइड्रोजन। साइनाइड का रिडक्शन आपको क्या देगा, अमाइन। ऑल्सो रिमेंबर स्टूडेंट, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइनाइड का रिडक्शन अमाइन देगा और हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। थर्ड रिडक्शन दैट इज नाइट्रो का रिडक्शन। अल्किन नाइट्रो अल्किन जो होता है अगर उसे आप रिड्यूस करते यूजिंग टीन एच सी एल और एफ ई एच सी एल, आयन या टीन। बच्चों स्टैनस क्लोराइड एच सी एल नहीं लेना है, ओनली टीन लेना है, नॉट एस एन सी एल टू। इफ यू टेक एस एन सी एल टू यू गेट डिफरेंट प्रोडक्ट। सो रिमेंबर वेल दैट यू आर सपोज टू टेक ओनली टीन एंड एच सी एल। सो टीन प्लस एच सी एल और एफ ई प्लस एच सी एल और यू कैन यूज LiLH4, द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो विल अकर एंड इट विल रिजल्ट इन टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज अमाइड। अमाइड का अगर आप रिडक्शन कराते हो यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट सच एज LiLH4, सो आपका जो ये अमाइड ग्रुप है दैट विल गेट रिड्यूस टू प्राइमरी अमाइन। ऑलराइट, सो लेट्स क्विकली रिपीट वंस अगेन। यू हैव रिडक्शन के अंदर चार ऑप्शन है आपके पास में, यू हैव ऑक्साइन्स, यू हैव साइनाइड्स, यू हैव नाइट्रो एंड यू हैव अमाइड। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन दैट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, दैट इज HBD, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। और यहाँ क्या होने वाला है, अमाइड का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, एक कार्बोनिल ग्रुप उड़ जाएगा। ओके, सो RC डबल बॉन्ड NH2, अगर इसको आपने ट्रीट करा ब्रोमीन प्लस NaOH, ऑलराइट, ब्रोमीन प्लस NaOH, ऑलराइट, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, प्राइमरी अमाइन अलॉन्ग विथ सोडियम कार्बोनेट। सो ये जो आपका कार्बन है, देखो यहाँ पर कार्बन इधर साइड में हो गया, सोडियम कार्बोनेट बाहर आ गया। सो प्राइमरी अमाइन यहाँ पर आपको मिला है विथ वन कार्बन लेस। रिमेंबर स्टूडेंट, आपने अभी अभी अमाइड का रिडक्शन करा है, आप अमाइड का रिडक्शन कर रहे हो तो आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन मिल रहा है। मतलब अगर मान लीजिए आपने लिया है प्रोपेन अमाइड तो आपको प्रोपेन अमाइन मिलेगा, लेकिन अगर आप हॉफमैन ब्रोमामाइड कर रहे हो मतलब आपने NaOH ब्रोमीन डाला है तो आपने प्रोपेन अमाइड लिया है तो आपको मिलेगा इथेन अमाइन, दैट इज वन कार्बन लेस। रिवाइज वंस अगेन, अमाइड का रिडक्शन किया तो सेम कार्बन, लेकिन अगर उसका हैप्पी बर्थडे किया तो एक कार्बन कम हो जाएगा। और ये हॉफमैन ब्रोमामाइड दैट इज हैप्पी बर्थडे का, आप कंडीशन याद रखें बच्चे, ब्रोमीन प्लस NaOH, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ब्रोमीन प्लस NaOH अमाइड को रिएक्ट करवाने पर एक कार्बन कम हो जाएगा। ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नाउ विल कम ऑन टू रिएक्शंस।